हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मजडी से। चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी। ये जितनी बनाने में आसान है फिर बना लेते हैं। ये भी हमने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज लिया है। शिमला मिर्च को क्यूब में इस तरह से कट कर लेंगे, उसी तरह से हमें प्याज को भी कट कर लेंगे। तीन प्याज को हमने क्यूब में कट करेंगे और दो प्याज को हम बारीक चॉप कर लेंगे। इस तरह से हम कट करके इनका अलग अलग कर लेंगे एक एक फली को। फिर इस तरह से दो प्याज को हम बारीक चॉप कर लेंगे। दो हरी मिर्च ली है, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। फिर इधर पैन में डालेंगे दो बड़ा चम्मच सरसों का तेल। इसमें शिमला मिर्च को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको 2 से 3 सेकंड तक। ये भी फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। फिर इसमें डालेंगे ये प्याज जो हमने क्यूब में कट करके रखे थे, इनको भी डाल के अच्छे से पका लेंगे। इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, इनको भी निकाल लेंगे। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। ये 2 बड़े चम्मच के करीब दही लिया, इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसी पैन में हम डालेंगे सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच। फिर उसमें डालेंगे जीरा 1 छोटी चम्मच, हींग 2 पिंच डाल के इसको अच्छे से चटकने देंगे। फिर बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, इसको पका लेंगे अच्छे से। फिर इसमें डालेंगे 6 से 7 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, इसको भी पका लेंगे। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च जो हमने कट के रखी थी, इनको भी डाल के अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें डालेंगे ये मसाला जो हमने बना के तैयार किया था। ये जब तक हमारा ऑयल रिलीज नहीं कर देता तब तक इस तरह से मसाले को पका लेंगे। अभी पक के तैयार हो चुका है। इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर चॉप किए हुए, इनको भी डाल के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अभी पक चुके हैं टमाटर, अब इसमें डाल देंगे जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था। फिर इसमें डालेंगे शिमला मिर्च फ्राई की हुई, डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे, डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के कम से कम 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे इसको। अभी ये पक चुकी है अच्छे से, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ, डाल के इसको भी मिक्स कर देंगे। बस ये हमारी प्याज और शिमला मिर्च की बढ़िया से टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आप इसे चपाती के साथ या पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और घर के बेसिक मसालों से भी बनके तैयार हो जाते हैं, बहुत कम टाइम में बनके तैयार होती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।